अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ चाट, जिसको हम मसालेदार आलू छोले भी कह सकते हैं, भुने हुए आलू छोले भी कह सकते हैं। हम इवनिंग स्नैक्स में बनाते हैं, रमज़ान में बनाते हैं, रिफ़्रेशमेंट में बनाते हैं। तो चले आए, मैं इंग्रेडिएंट्स शो करवा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने एक बॉयल्ड आलू लिया है, उसको बॉयल किया है। देन यहाँ पर एक टमाटर लिया था मैंने बड़े साइज़ का, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। फ्रेश कोरिएंडर हरा धनिया लिया है, एक हरी मिर्च और एक बड़े साइज़ की प्याज। यहाँ एक कप मेरे पास बॉयल वाइट छोले हैं। यहाँ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इमली का पल्प निकाल लिया है। और स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून चाट मसाला है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर, सबसे पहले यहाँ मैंने एक फ्राई पैन लिया और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। आप अंदाजे से अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले टमाटर को सॉफ्ट कर रही हूँ। टमाटर इतने सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसी पॉइंट पे ये मसाला ऐड कर देंगे, इसमें सारे स्पाइसेस। एक बार इसको स्टिर करना है और यहाँ ये इमली का पल्प ऐड कर दें, उसको साथ साथ चलाते हैं। ये अच्छा सा थिक पेस्ट रेडी हो रहा है। इसी के साथ यहाँ प्याज ऐड कर दिए ताकि प्याज इसमें सॉफ्ट हो जाए। प्याज इसी में सॉफ्ट हो जाएगी। इस पॉइंट पे मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये प्याज इसमें सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें मैंने बॉयल्ड आलू और छोले भी ऐड कर दिए हैं और इसको साथ साथ भूनते रहेंगे। ये पेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है और छोले इसमें कम है, तो इसी के साथ साथ मेरे पास बॉयल्ड छोले और रखे हुए थे, तो मैं 1/2 कप और वो ऐड कर रही हूँ और इसमें मिक्स कर देंगे। ये छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको अब मैं डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भुन चुके हैं, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, आप लोग करीब से भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, क्विकली बन जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।